रुकना ही पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। माँ पार्वती बोली गुरु मंत्र, जिस दिन भोलेनाथ को गुरु मंत्र मिला उन्होंने उसी दिन मुझे बता दिया। नारद जी ने कहा माँ फिर तो बहुत अच्छा है। और बोले ध्यान में जो भगवान का दर्शन करते हैं, आज भगवान ने कौन सी लीला की, आज भगवान ने कौन सी लीला की, आज भगवान की कौन सी लीला के दर्शन हुए, सायंकाल आकर मुझे बता देते हैं। उसी समय बोले नारद जी ने सोचा अब बात ठीक है। नारद जी बोले तब इतना सब बताते हैं, आपसे इतना प्रेम करते हैं, ये बात जरूर बताई होगी उनकी गले में जो रुनों की माला है वो किसकी है। मैया पार्वती ने मन ही मन सोचा बाबा प्रेम तो बहुत करते हैं पर उनके गले में जो मुंडों की माला है वो तो आज तक बता ही नहीं किसकी है। नारद जी का जिस माला को हमेशा हृदय से लगा के रखते हैं, बाबा बैठ जाइए बैठ जाइए अपने स्थान पर बैठ जाओ। जो रुंडों की माला है हमेशा अपने हृदय से लगा के रखते हैं वो बता ही नहीं किसकी माला है। नारद जी तो चले गए, भोलेनाथ मिले, भोलेनाथ ने कहा बाबा कहां से, बोले मैया से मिलके, जल्दी जाओ घर बुला रही है। भोलेनाथ मनी मन मुस्कुराए, आप जाके आए हैं तो जल्दी बुला ही नहीं होगी। इधर माँ पार्वती ने अपना सुंदर श्रृंगार त्याग दिया, घर में ना दिए बत्ती किए, घर में रोशनी नहीं हो रही है गुफा में, ना कहीं सुगंध आ रही है, कहीं फूल चढ़े। भोलेनाथ ने कहा देवी आपका दिव्य सुंदर श्रृंगार आज ऐसे कैसे लग रहा है, आप तो बड़ी सजी समली बड़ी सुंदर लगती हो, आज आपका ही रूप। माँ पार्वती का जाने दो हमसे बात नहीं करो। भोलेनाथ ने कहा हमसे क्या अपराध हो गया, बोले तुम देखने में जितने सुंदर हो उतनी अंदर की काले हो। मैया पार्वती ने जब कहा भोलेनाथ ने कहा देवी अंदर का काला तो वो जो होता है जो कपट करता है, हमने तुमसे क्या कपट किया। भोलेनाथ कितने सुंदर है आपको पता है, कितने सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, आपने देखा कपूर कितना गौरव होता है, भगवान भोलेनाथ का रूप भी कपूर जैसा सुंदर है, कपूर जैसा सुंदर है। मैया पार्वती के भोलेनाथ से का देव आप अंदर से जितने काले हो बाहर से उतने गोरे दिखते हो। भोलेनाथ ने कहा देवी अंदर का काला तो वो होता है जो छुड़ाता है कुछ वस्तु छिपाता है, मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया और जो था सब आपको निवेदन कर दिया मैंने। बोले प्रभु आप जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं ये कभी बताया नहीं, ये मुंडों की माला किसकी है। भोलेनाथ ने कहा देवी मैं आपसे जो प्रेम करता हूँ आपसे स्नेह करता हूँ उसका ही प्रतीक ये माला है। वैसे तो आपका नाम आदि शक्ति, आप अजन्मा हो, आप जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी हो, लेकिन फिर भी लीला के लिए कभी कभी रूप त्यागती हो दूसरा रूप धारण करती हो, तो मैं आपके रुंडों को अपनी माला में पुरो लेता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। माँ पार्वती बोली फिर तो और कपड़े निकले। बोली कैसे, बोले एक बात बताओ, बोले मुझे ही मरना क्यों पड़ता है, तुम क्यों नहीं मरते, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी और भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। देखो अभी तक माँ पार्वती नाराज थी, लेकिन अब माँ पार्वती ने सोचा अब मैं नाराज बनी रही सब बिगड़ जाएगा मामला, क्योंकि ज्ञान तो हमेशा शिष्य बन के लिया जाता है, नम्र बन के लिया जाता है, दोनों पैर पकड़ लिए, मुझे भी इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिला, मुझे भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी हम कथाओं तो सुनाएंगे पर हमारी कथा ऐसी वैसी नहीं होती, हम 3:30 बजे कथा चालू करते हैं, 6:30 बजे विश्राम करते हैं और 6:31 पर फिर चालू कर देते हैं, लेकिन हम बीच में तुमसे जब हर हर महादेव कहें तो तुमको भी बोलना है क्या, क्या बोलना है, इससे एक फायदा है अगर कोई पड़ोसी सो रहा है तो उसमें कौनी भी लगती जा तो जाग भी जाता है, प्रेम से बोलो निद्रा नहीं आती है।
कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी, एक संत कहते थे। उसने कहा मैं कहाँ जाऊं, बोले कथा में जो सो जाए, जो कथा ना सुने उसके सिर पर जाके बैठ जाओ। तो ये मंगल राम जी है ना, प्रेम से बोलो। इसलिए कुंभकर्ण की पत्नी ना आए इसका प्रयास करना चाहिए। माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा देव आप जैसा कहेंगे वैसे ही, बीच बीच में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा देवी पार्वती संपूर्ण कैलाश में देखकर क्या कोई और तो है नहीं, कथा हमेशा योग्य व्यक्ति को सुनानी चाहिए, पात्र को उपात्र को नहीं देना चाहिए। माँ पार्वती ने जाके देखा कुछ नहीं था, केवल वो तोते का अंडा फूटा हुआ पड़ा था। बोले बेकार है इसका क्या महत्व है। कथा होने लगी, शिव महापुराण कहती है भगवान भोलेनाथ अमर कथा जब सुनाने गए तो शेष सुनार को भी नीचे छोड़ दिया, नंदीश्वर को भी नीचे छोड़ दिया, केवल गुफा में माँ पार्वती को लेकर के और भगवान भोलेनाथ अमर कथा पाठ करा रहे हैं। वही भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप विराजमान हुआ, बोला अमरनाथ महादेव की जय हो। केवल शिव पार्वती, दूसरा कोई नहीं, और दूसरा कोई है ही नहीं। दिव्य अमर कथा का वहां गायन होने लगा। पहले जिनकी कथा हुई वो अंडा साबुत, वो टूटा हुआ अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा में उसके अंदर से बच्चा निकला। तीसरे दिन की कथा में उसके बच्चे के पंख आ गए। चौथे दिन की कथा में अमर आनंद में नाचने लगा। पांचवें दिन की कथा में तो बड़े सुंदर भाव से कथा सुन रहा था। छठवें दिन की कथा सुनी, सातवें दिन की कथा सुनते सुनते माँ को समाधि लग गई। और जब समाधि लग जाती है तो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता। माँ ने ओम ओम बोलना बंद किया। तोते ने सोचा अगर माँ ओम नहीं बोलेगी तो भोलेनाथ कथा सुनाना भी बंद कर देंगे। तो वो पक्षी माँ की आवाज में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने लगा। सात दिन की कथा पूरी हुई और भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोल बाल कृष्ण की जय हो। जयकारा लगा। माँ पार्वती ने अपने मित्र भोले हाथ जोड़ करके कहा देव मैं ये जानना चाहती हूँ जब भगवान सुधाम जा रहे थे तो उद्धव से क्या कह रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी कथा तो पूरी होगी, आप अभी यहीं अटकी हो। बोले क्षमा करना, कथा सुनते सुनते मैं समाधि में चली गई। समाधि का मतलब कथा का चिंतन होने। कथा में जब बैठते हैं तो मन में आनंद आता है ना, कथा में जब माँ पार्वती का जन्म उत्सव मन रहा है इतने धूमधाम से आनंद से, हम लोगों को जो आनंद यहाँ मिल रहा है वो आनंद हिमालय में कैसा मना होगा, कैसा दिव्य वातावरण हुआ होगा हिमालय मन। यहाँ से आप बैठे हैं नजरगढ़ में ठाकुर द्वारे में, पर आपका मन चला गया त्रेता युग में हिमालय में। माँ पार्वती ने कहा मैं समाधि में चली गई। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा देव आप जब समाधि में चले गए तो आपके विपरीत कथा कृष्ण सुनी, तो देखा था वो पक्षी आनंद में बड़े प्रेम में वो कथा। तो भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर तो उसके पीछे भागे। क्यों? ये कथा में एक नियम है, जो कथा को पीछे से सुनता है, कथा को पीछे से सुनता है या व्यास गति से ऊपर सुनता है वो दंड का भागी होता है। भगवान भोलेनाथ कैलाश से त्रिशूल लेकर के भागे कहां आए, बद्रीनाथ, वहां सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी महाराज अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, वृद्ध अवस्था थी। पत्नी कहने लगी क्या भगवत कृपा नहीं होगी, हमारे कोई बालक नहीं होगा। उसी समय उन्होंने, उनकी पत्नी ने अपना मुख खोला, वो पक्षी मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश हो गया। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। व्यास जी महाराज ने भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे घर में मेरा चूर घुसा है। व्यास जी ने कहा क्या कह रहे बाबा। बोले तुम्हारे घर में मेरा चूर घुसा है। बोले क्या चुरा लिया तुम्हारा, तुम्हारे पास आगे है क्या? संसार में रहने वाले, चिता लगाने वाले, भस्म लगाने वाले, तुम्हारे पास ऐसा है क्या जिसको चोर चोरी कर लिया? बोले मेरी अमर कथा का चोर, अमर कथा को चोरा है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं बोले देव आपने जो अमर कथा सुना दी भला वो व्यक्ति मर सकता है? कहते हैं भोलेनाथ वहां से वापस
माँ पार्वती को कथा सुनाकर भोलेनाथ ने अंबर किया। माँ पार्वती के जन्म से पहले कई जन्म हुए, लेकिन पार्वती जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं हुआ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुना रखी थी। उच्च सूची महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों, दक्ष की साढ़ कन्या थी जो हमने कल बताया। साढ़ कन्याओं में एक कन्या सुधा, वो पितरों को ब्याही गई। इनके सुधा के तीन कन्या हुई, बड़ी पितरों की कन्या तीन कन्या हुई। एक का विवाह जनक के साथ में हुआ, जिनके जिनका नाम था सुनैना, उनको धन्या भी कहते थे। इनका विवाह जनक के साथ, इन तीनों ने, तीनों कन्याओं ने, सुनैना, कीर्तिदा और मैना, ये पितरों की कन्या है। तीन कन्या कौन कौन सी? सुनैना, कीर्तिदा और मैना, इन्होंने भगवान भोलेनाथ की घनघोर तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो इनसे कहा वरम उन्हीं वर मांगो। बोले हम चाहते हैं साक्षात भगवती हमारी पुत्री बने। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया तो त्रेता युग में जो ज्येष्ठ कन्या थी उसका विवाह जनक के साथ में हुआ। नाम घर में मां साक्षात भगवती लक्ष्मी सीता रूप में पधारी। इनकी मां का नाम था सुनैना, जिनका भगवान राजेंद्र सरकार के साथ में विवाह हुआ। साक्षात भगवान नारायण के रूप में उनके घर पधारे। दूसरी कन्या का विवाह विश्वान बाबा के साथ हुआ, इनका नाम था कीर्तिदा, जो बरसाने में विश्वान बाबा को ब्याह नहीं। हमारे संत कहते हैं विश्वान बाबा बनिया थे। कौन थे विश्वान बाबा? वैश्य थे। विश्वान बाबा पहले के जो वैश्य लोग होते ना, उनके पास धन गोधन होता, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय उतना ही बड़ा वो राजा माना जाता था। नंद बाबा के 9 लाख गाय थी और विश्वान बाबा के 11 लाख गाय थी। कितनी गाय थी? 11 लाख गाय थी। विश्वान बाबा के घर में पुत्र तो था पर पुत्री नहीं थी। भैया शास्त्र में लिखा है बेटा होना जितना ज्यादा जरूरी है उससे कहीं ज्यादा बेटी का होना घर में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेटा एक कुल को तारता है और बेटियां दो दो कुल खानदान को तारती है। बरसानी की बड़ी अमूल्य सुंदर कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा। अगर किसी के घर में कोई बेटी ना हो इस कथा को जरूर ध्यान से सुनिएगा। बरसाने में एक शेर जी, उनके 4 बेटा थे, पत्नी का निधन हो गया। बड़ी सुलक्षणा 4 बहुएं आई बेटियां जैसी, मिलकर बड़े प्रेम से रहती, बड़े आनंद में रहती। शेर जी के घर में व्यापार अच्छा चलता था, बच्चे भी आज्ञाकारी थे। शेर जी एक दिन घर में जब शाम को घर में आते तो बहू प्रणाम करती, हाथ जोड़ती, शेर जी सबको आशीर्वाद देते। जब सोने लगे तो मन में विचार आया मेरे घर में 4 बेटा हैं, 4 बहुएं हैं, घर पूरा भरा है, काश मेरे घर में एक बेटी और होती तो मेरा घर पूरा हो जाता। उसी समय मन में आया कि राधा रानी को अपनी बेटी क्यों ना बना लो, मैं तो बरसाने में रहता हूँ, श्री जी को अपनी बेटी बना लो। शेर जी ने राधा रानी को अपनी बेटी रूप में स्वीकार किया। कोई कोई भावे नाते हमें, हम भगवान को घर में तो ले आते हैं पर भगवान से संबंध जोड़ के भूल जाते हैं, और केवल परमात्मा है जो वास्तविक संबंध निभाते हैं। कहते हैं राधा रानी को अपनी पुत्री बनाया और जहां सोते थे वहां एक बड़ी सी तस्वीर लगा ली। रोज शाम को घर आए और जलपान भोजन इत्यादि करके बहुओं का आशीर्वाद देके जब सोने जाए तो अपनी पुत्री समझ के राधा रानी को प्रणाम करें। धीरे धीरे समय गुजरा। ब्रज में एक परंपरा है, ब्रज की बहन बेटियां गांवों की बाजार में नहीं जाती हैं किसी सामान के लिए, या तो पुरुष जाता है या कोई और जाता है। तो ब्रज में चूड़ी पहनाने को प्राय चूड़ी वाली घर घर जाती है। तो एक चूड़ी वाली आई आकर के शेर जी से कहने लगी, शेर जी बहुत समय हो गया आपकी बहुओं को मैंने चूड़ी नहीं पहनाई है, आप आ गए तो मैं चूड़ी पहना के आ जाऊं। शेर जी ने कहा जाओ जाकर के चूड़ी पहना के आओ। वो चूड़ी वाली चूड़ी पहनाने गई, उसे सबको चूड़ी पहनाई। शेर जी से कहा शेर जी मेरे 50 रुपए हुए। शेर जी ने कहा तुमने पैसे बढ़ा दिए। बोले नहीं शेर जी मैं तो बराबर पैसे देती हूँ।
बोले कितना पैसा लेती हो? बोले एक को पहनाने के 10 रुपए लेती हूँ, 5 रुपए हाथ है, 2 हाथ के 10 रुपए हो। शेर जी ने कहा मेरे घर में तो 4 ही बहू है, फिर 50 रुपए क्यों? बोले शेर जी मैंने 4 को नहीं 5 को चूड़ी पहनाई। शेर जी ने कहा हो सकता है कोई पड़ोसी ने आके पहन लिया हो या किसी ने पहन लिया हो। अच्छा मैं थोड़ा घर जाकर के पूछता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, घर में ऐसा तो कोई आया नहीं था। पांचवा सायकाल शेर जी जब लौट करके आए और आकर के जब शहर करने लगे, बहू ने प्रणाम किया, शेर जी ने आशीर्वाद दिया। शेर जी ने कहा बेटा सबने चूड़ी पहनी? हाँ पिताजी सबने पहनी। घर में कोई पड़ोसी आई थी? नहीं पिताजी। घर में कोई मिलने वाला है? बोले नहीं पिताजी, हम चारों ही थी, पांचवा तो कोई आया नहीं। शेर जी को लगा कि वो मनिहारी झूठ बोल रही है, वो चूड़ी वाली झूठ बोल रही है। मन में सोचने लगी उसको ज्यादा पैसा चाहिए तो बता देती, पर झूठ क्यों बोल रही है? शेर जी ये बस विचार करके सोए। उसी समय रात्रि में राधा रानी के नेत्रों से अश्रु धारा बह रही थी, प्रकट हो गए। शेर जी एकदम बिठंत हो गए, बेटा क्या हुआ, कैसे रो रही हो? बोले तुमने मुझे पुत्री तो माना पर पुत्री रूप में स्वीकार नहीं किया। क्यों? बोले एक बेटी का इतना भी हक नहीं होता है कि अपने बाबा के घर में आके चार चूड़ी पहनने चली जाए। नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। शेर जी रात्रि में जागे, भागे भागे मनिहारी के पास गए, चरण पकड़ लिए। मैंने तो उसे पुत्री माना ही था, तूने तो उसका स्पर्श किया। धन्य धन्य मनिहारी, धन्य है तू, धन्य है। घर में बेटा होना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा भैया बेटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वान बाबा के घर में बेटा तो था पर बेटी नहीं थी। कहते हैं एक दिन विश्वान बाबा भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन ही सरोवर में स्नान करने गए। ये जो बरसाना है ये राधा रानी की क्रीड़ा भूमि है। आप लोग जाते हैं ना, ये जो बरसाना है ये राधा रानी की क्रीड़ा भूमि है। राधा रानी की जन्मभूमि रावल है जो मथुरा के पास में है। चंद्रावली के दाऊ जी जाते उस समय रावल पड़ता, वो राधा रानी की जन्मभूमि है। कृष्ण बाबा स्नान करने के सरोवर में प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कमल के ऊपर श्री राधा रानी का प्राकट भाव हुआ। बोल राधा रानी की जय। राधा रानी को जब लेकर के घर आए, अपनी पुत्री माना, सुंदर हर्षोल्लास आनंद होने लगा। अच्छा राधा रानी की जब चर्चा चली है, अगले महीने राधा रानी का जन्मदिन आ ही रहा है, एक छोटी सी बधाई श्री जी की गाके परम माँ पार्वती की जन्म सब और बड़े बड़े भाग्य सब आइए बरसाने चलते हैं। बोल राधा रानी।